अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क और रियासत भर में 68वीं यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मुनक्किद की गई। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कौमी परचम लहराया। रियासती पार्टी दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। कौमी यकजहती को फरोग देने अवाम से आगे आने की गई अपील। कुल हिंद मजलिसे हादिर मुस्लिमीन की अराकीन असेंबली ने अपने हल्के जात में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत। कौमी परचम लहराया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल्स में तिरंगा लहराया। सरकारी दफातर और खानगी इदारों में यौम जमहूरिया के मौके पर पुरजोश तकारीब। वतन से मोहब्बत और वफादारी का इजहार। मुल्क के लिए जान देने वाले शहदा को पेश किया गया किराज। अब खबरें तफसील से। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने परेड ग्राउंड पर 68वें यौम जमहूरिया के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात फराहम करने के लिए सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया है और अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इकदाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने और वेलफेयर स्कीमात को रूबे अमल लाने में रियासत मुल्क भर में नंबर वन रियासत बनकर उभर रही है, जबकि घर घर पानी की सरबराही और हैदराबाद मेट्रो रेल का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 68वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर शिरकत की और तिरंगा लहराया। वादा सलामी देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासी हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात फराहम करने के लिए सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया था और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर ने बताया कि रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने और वेलफेयर स्कीमात को रोबे अमल लाने में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में नंबर वन रियासत बनकर उभरी है। घर घर पीने के पानी की सरबराही और हैदराबाद मेट्रो रेल का बहुत जल्द आगाज होगा। उन्होंने गोदावरी नदी से रियासत को पानी लाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से किए गए माहदे को एक तारीखी माहदा करार दिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से कई एक आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को तेजी के साथ रोबे अमल लाया जा रहा है, जिसके जरिए सैकड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने के सिलसिले में रेजिडेंशियल स्कूल्स का क्याम अमल में लाया जा रहा है और 200 माइनॉरिटी स्कूल्स को भी मंजूरी देते हुए 71 स्कूलों का क्याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, DGP तेलंगाना के अलावा दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के अतराफ अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। వయసులో గల తెలంగాణ వడివడిగా బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందే లక్ష్యంతో అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం సాధించిన విజయాలు ప్రజా సంక్షేమ కోసం భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే పలు ప్రణాళికత గురించి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుందాం. అట్ ది అవుట్సెట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు congratulate the parade commander and all personnel who participated in the
excellent march past and the mounted column also. Telangana state is developing rapidly thanks to the measures being initiated by my government, which is reflected in the first position it achieved in the ease of doing business rankings. The youngest state of Telangana today is often being referred to as the most happening state. We have completed 31 months in the government and our targets and priorities are now well defined. The needs of weaker sections are being addressed in right earnest and our planning and execution of the welfare programs for the poor is commendable. My government has launched a slew of flagship programs and initiatives. The success of schemes like Mission Bhagiratha, Mission Kakatiya have found an echo at the national level. The Niti Aayog and other state governments are admiring the Telangana model. Telangana is on its way to become a role model. मुल्क व रियासत भर में 68वें योम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अराकीन असेंबली बशमूल खायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका असेंबली हलखेजात में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 68वीं योम जमहूरिया के मौके पर अपने असेंबली हलके में वाक़े ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शाखों में मुनक़िदा तकारीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान स्कूली असातिज़ा और तलबा तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। गुलाम अहमद सैयद मुस्लिमीन के रुकन असेंबली और मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी आलम चौराहा और दीगर मकामात पर 68वीं योम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर राजमोहन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल्लू में सदर मुस्लिमीन के रुकन असेंबली हल्के याकूतपुरा मुमताज अहमद खान ने याकूतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकेजात संतोष नगर एसआरटी कॉलोनी सईदाबाद और दीगर मकामात पर मुनक़िदा तकारीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर वाजिद अली खान सरगर्म कारकुनान अयूब शाद मोहम्मद बाखर शेख वहीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल्लू में सदर मुस्लिमीन के रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़ूम खान ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकेजात किशनबाग गवर्नमेंट स्कूल बहादुरपुरा चौराहा रमनसपुरा और दीगर इलाकों में मुनक़िदा तकारीब में शिरकत की और 68वीं योम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन मोहम्मद सलीम एडिशनल DCP साउथ जोन के बाबू राव के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद रशीद और दीगर भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स ने भी मुतालिका डिवीजन में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। कुरमागोला डिवीजन कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया जबकि इस मौके पर सैयद खुसरो के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
मजिस्ट्रेट डिवीजन कॉर्पोरेटर फलकनुमा डिवीजन मोतीलाल नायक ने अजबैल कॉलोनी फलकनुमा में तिरंगा लहराया। इस मौके पर सर्वे मजिस्ट्रेट कारकुनान भी मौजूद थे। अड़सठवें योम जमहूरिया के मौके पर सरकारी महकमे जात के दफातर, हाईकोर्ट, महकमे अकलियती बहबूद के दफातर के अलावा कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर व दीगर मुकामात पर सरकारी तौर पर तकारीब का इनेखाद अमल मिलाया गया। मुख्तलिफ दफातर के सरबराहान ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि स्टाफ अराकीन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अड़सठवीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद मुख्तलिफ महकमजात के दफातर में अमल में लाया गया। इस मौके पर हाई कोर्ट के हाथे में मुनक्किद की गई तकरीब में चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जस्टिसों के अलावा वकला और स्टाफ की कसीर तादाद मौजूद थी। मुख्तलिफ बेंच के जजेस ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। चंद्रगढ़ जेल में भी यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम किया गया। महकमे जेल के डीजी वी के सिंह ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि जेल स्टाफ के अलावा इस मौके पर मुलाजमीन और कैदी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए जान देने वाले शहदा को खिराज पेश किया गया। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में महकमे अखिलेती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील आईएएस ने कौमी तिरंगा लहराया और 68वीं यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अखिलेती इदारों के सरबराहान असदुल्ला सीईओ रियासी वक्फ बोर्ड, प्रोफेसर एस ए शकूर स्पेशल ऑफिसर रियासी हज कमेटी के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रेस अकेडमी के अहाते में मुनक्किद की गई यौम जमहूरिया तकरीब में चेयरमैन प्रेस अकेडमी अल्लम नारायणा ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर स्टाफ अराकीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के दफ्तर में कन्वीनर और सदर टीजेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर टीजेएसी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कलेक्टर दफ्तर हैदराबाद में हैदराबाद जिले कलेक्टर राहुल बोझा ने 68वीं यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दफ्तर के स्टाफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीएनजीओ दफ्तर में भी यौम जमहूरिया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें जिला सदर मोहम्मद मुजीब ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर टीएनजीओ के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्रेस एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट सिपाही तंजीम के तहत जश्न यौम जमहूरिया हिंद और तीसरा यौम तासीस सिपाही तंजीम मनाया गया। तकरीब की निगरानी मंसूर अहमद खान सदर ने की, जबकि महेश्वर राज ने मेहमान एमसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नेमत खान, शकील अहमद खान के अलावा एस के अफजलुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे।
डीसीपी ऑफिस वाकई साउथ जोन में 68वीं जमहूरिया तकरीब का अहतमाम किया गया, जबकि डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण आईपीएस ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी के बाबू राव के अलावा महकमे के दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। दफ्तर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर में 68वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद जोश खरोश के साथ किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी आईपीएस ने कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इस मौके पर दफ्तर के स्टाफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एसीपी चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने खुले कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद की गई यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। तेलंगाना बंगाली समिति की जानिब से मुनक्किद की गई इस तकरीब में सदर दीपांकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अड़सठवें यौम जमहूरिया तकरीब को रियासत के अलावा ग्रेटर हैदराबाद में नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर में असम्बली कौंसल और रियासत के तमाम सियासी जमातों के दफातर टीआरएस भवन गांधी भवन तेलंगाना तेलुगुदेशम बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के दफातर में कौमी परचम लहराने के बाद स्पीकर मधुसूदन चारी सदरनशीन कौंसल स्वामीगौड़ वजीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी मरकजी वजीर सुजना चौधरी वायस जगनमोहन रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। कानून साज असेंबली में स्पीकर मधुसूदन चारी ने कौमी परचम लहराया। बाद मुखातिब करते उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के बाद यौम जमहूरिया के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर मुरतब किया था और परचम कुशाई के मौके पर सेक्रेटरी असेंबली सिद्धारमैया के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। सदरनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ ने कौमी परचम कौंसिल के अहाते में लहराया। बाद उन्होंने अपने खिताब में बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के सीआर की जद्दोजहद का नतीजा है। इस मौके पर अराकीन कानून साज कौंसिल मौजूद थे। टीआरएस भवन में रियासत दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। वजीर दाखिला के अलावा नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 14 साल तक पुरम जिद्दोजहद करते हुए रियासत की तश्कील को मुमकिन बनाया है और बरसर इक्तदार आने के बाद कई एक वेलफेयर स्कीमात को रुबे में लाया जा रहा है। गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बाद अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कई मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करते हुए आज़ादी हासिल की गई है। उन्होंने मुल्क के तहफ्फुज के लिए हर एक को आगे आने की अपील की। इस मौके पर भूषण खाया जाना रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
भारतीय जनता पार्टी के रियासती पार्टी ऑफिस में सदर रियासी बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। बाद अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी कौमी यकजहती और भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए हर एक को आगे आने की जरूरत है और दहशतगर्दी से मुकाबला करते हुए मुल्क का तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी अराकीन असेंबली के अलावा बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम दफ्तर पर मरकजी वजीर सौजन्य चौधरी ने कौमी परचम लहराया। बाद में उन्होंने खिताब में रियासत तेलंगाना में तेलुगु देशम की जानिब से किए जा रहे इकदाम का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम साल 2019 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और पार्टी कायदीन और कारकुनान अभी से इस सिलसिले में सरगर्म हो जाएं। इस मौके पर पार्टी कायदीन एल रमना के अलावा रेवंत रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाइस जगन मोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और बाद अपने खिताब में कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अड़सठवें यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ रियासती और मरकजी हुकूमतों के इदारों और तालीमी व फनी इदारों में भी तकारीब का इनेखाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा ताड़बन में वाक़ ITI ओल्ड सिटी में भी पुरजोश अंदाज में यौम जमहूरिया तकरीब का अहतमाम किया गया। प्रिंसिपल ITI ओल्ड सिटी मोहम्मद हामिद खान ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी दी गई। इस मौके पर इदारे के ट्रेनर्स, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अलावा तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, MBA कॉलेज, दारुसलाम बैंक और मजलिस की तरफ से दारुसलाम में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस SA हुसैन अनवर, डायरेक्टर दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर MA मलिक, CEO दारुसलाम बैंक सादात अली अकबर और प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज उस्मान अहमद के अलावा कॉलेजेस और दारुसलाम के अमले की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थे। यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर मुल्क और रियासत के तकरीबन सरकारी और खानगी इदारों में जोश व खरोश के साथ तकारीब का अहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी राहुल कॉलोनी में वाक़ एक खानगी इदारे में भी यौम जमहूरिया तकरीब का अहतमाम प्राइमरी क्लासेस के तलबा तालिबात के साथ किया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने कौमी परचम लहराया जिसके बाद प्राइमरी सतह के तलबा तालिबात ने जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले कायदीन के मॉडल्स पेश करते हुए दाद तहसीन हासिल की। मोहम्मद रिजवान अली ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार अदा किया और असातिज़ा और शुरका की जानिब से उनकी सताइश भी की गई। और अब समय आ गया है कि हम इसको चल
आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सोई होगी, जब भारत और जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आराम राम है। जय हर साल यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर जहां एक जानिब सरकारी और गैर सरकारी इदारों में तकारीब का इनेखाद अमल में लाया जाता है, वहीं दूसरी जानिब दीनी मदारिस में भी अपने तौर पर पुर असर तकारीब मुनक़िद की जाती हैं। इस सिलसिले के तहत मुस्तफ़ा नगर में वाक़ मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम में भी 68वें यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीब का अहतमाम किया गया। मदरसे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हुसामी क़ादरी ने कौमी परचम लहराया और सलामी दी। मोहतमम मदरसे मौलाना रियाज हुसामी क़ादरी ने इंतजामात की निगरानी की, जबकि असातिज़ा के अलावा तलबा तालिबात भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने परेड ग्राउंड पर यादगार शहीदा पर गुलाह-ए-अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुजाहिदीन ने आज़ादी की जानिब से जान की कुर्बानियाँ देने के बायस मुल्क आज़ाद हुआ है और उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा जाने नहीं दिया जाना चाहिए। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आला गवर्नर के रोशैया और फौजी कमांडर ने भी मुजाहिदीन आज़ादी को यौम जमहूरिया के मौके पर खराज पेश किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत की तौहीन करते हुए इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर के बीच पर कैंडल लाइट रैली निकालने वालों को रोकना बायस अफसोस है, क्योंकि आवाम सिर्फ रियासत के लिए खसूसी दर्जे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तेलुगुदेशम हुकूमत और मरकजी हुकूमत लोकसभा में जो वादा किया था आवाम इसे पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। जगन ने पुलिस की तरफ से विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी के कायदीन और तलबा की गिरफ्तारी की मजम्मत की और यह भी कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत ने रियासत के मफादात को रहन रख दिया है। आंध्र प्रदेश को खसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए तलबा और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से आज खामोश एहतजाज के बायस विशाखापट्टनम में गैर मामूली कशीदगी देखी गई और सुबह ही से पुलिस के ताकतवर दस्तों को आर के बीच और इसके आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया गया है। आर के बीच खिले में तब्दील देखा गया। तलबा की तरफ से कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगनमोहन रेड्डी ने भी आज विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं, जहां वो खामोश एहतजाज में हिस्सा लेंगे। एहतजाजी तलबा पवन कल्याण से भी एहतजाज में हिस्सा लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तमिलनाडु के जलीकट्टू में मरीना बीच पर हुए एहतजाज के बाद अब विशाखापट्टनम के आर के बीच पर तलबा एहतजाज का मंसूबा रखते हैं, लेकिन पुलिस ने इलाके में दफा 144 नाफिज करते हुए रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जबकि किसी को भी आर के बीच जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कई तलबा को एहतियाती इकदाम के तौर पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। विशाखापट्टनम के आर के बीच पर पुलिस की तरफ से पाबंदियां आयद किए जाने के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई सयाहों को पाबंदी के बायस वो बीच जाने से खासिर हैं। पुलिस ने एहतियाती इकदामात के तौर पर आर के बीच के अतराफ के इलाके को अपनी तहवील में ले रखा है।
हैदराबाद की बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने पद्मा अवार्ड के लिए उन्हें मुंतखब ना किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ज्वाला गुट्टा ने कहा कि वो इस अवार्ड की मुस्तहक थी, लेकिन वो अवार्ड ना मिलने से काफ़ी मायूस हैं। ज्वाला ने बताया कि वो 15 साल से खेल रही हैं, उन्हें गैर मामूली कामयाबी भी हासिल हुई हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो दोबारा अवार्ड के लिए रुजू होंगी, तो उन्होंने कहा कि वो ये नहीं जानती क्योंकि अब वो काफ़ी मायूस हो चुकी हैं। Applying for an award, and then on top of that, you know, if have you seen the website for Padma Shri? Have you seen it yourself? No. Then it says that if you have any recommendations, also you post it. So somehow I never could do that, and it's been you know, this is the third time I have applied, and a lot of my people said that I, you know, a lot of people have. Gotten it, and you know, ज्वाला, it was high time you know, apply for it, and I did apply, but that's about it. मरकजी वजीर सुजना चौधरी ने तेलुगुदेशम ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और दीगर जमातों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया ईद व त्यौहार की तरह होते हैं, इस दिन किसी भी किस्म का एहतजाज नहीं किया जाना चाहिए। అందరూ కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనే గొప్ప నాయకుడు అని చెప్పి ఆయనకు ఓటు వేసి ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ కూడా అహర్నిశలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎటువంటి రకమైన లాభం జరుగుతుందని చూస్తారు, కానీ ఒక రూపాయి నష్టం గురించి ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా. ఆ మాత్రం కూడా ఆలోచించకుండా ఈ విధమైన యాజిటేషన్ చేయటం అనేది ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी ने 68वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राममोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और जीएचएमसी का स्टाफ भी मौजूद था। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। अड़सठवें यौम जमहूरिया के मौके पर साइबराबाद कमिश्नरेट और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में भी तकारीब का इनेखाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत डीसीपी एलवी नगर जोन तफसीर इकबाल आईपीएस ने एनटीआर नगर में वाक़ मदरसे जामे इस्लामिया इशातुल उलूम में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मदरसे के तलबा के अलावा असातिज़ा भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर डीसीपी नॉर्थ जोन बी सुमति आईपीएस ने नॉर्थ जोन डीसीपी दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डिवीजन एसीपीज वो दीगर भी मौजूद थे। ईदी बाजार मोइनबाग के इलाके में चहारशंबी की रात गैस स्टोर रिपेयरिंग सेंटर में आतिशजदगी का हादसा पेश आया। फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अचानक पेश आए आतिशजदगी के इस हादसे की वजूहत से खुद स्टोर रिपेयरिंग सेंटर के मालिक मोहम्मद अफजल भी नावाकिफ हैं और वह हादसे के बाद हैरान रह गए। मुतलका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क और रियासत भर में 68वीं यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मुनक्किद की गई। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब में गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने कौमी परचम लहराया। रियासती पार्टी दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। कौमी यकजहती को फरोग देने अवाम से आगे आने की गई अपील।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی نے اپنے حلقے جات میں منعقدہ یوم جمہوریہ تقاریب میں کی شرکت، قومی پرچم لہرایا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکولز میں ترنگا لہرایا۔ سرکاری دفاتر اور خانگی اداروں میں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرجوش تقاریب، وطن سے محبت اور وفاداری کا اظہار، ملک کے لیے جان دینے والے شہداء کو پیش کیا گیا قراج۔ ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔